हरिद्वार में ड्रग्स विभाग व एसओजी टीम लक्सर पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से लक्सर व सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर आदमपुर में स्थित मेडिकल स्टोर संचालक सलाउद्दीन को नशे के कैप्सूल्स, टैबलेट व इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती व एसओजी टीम संयुक्त रूप से लक्सर के बहादुरपुर गांव में छापेमारी करने पहुंची, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि एसओजी को शिकायत मिल रही थी कि लक्सर व सुल्तानपुर में कई मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक्स दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसे लेकर आज ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती व एसओजी लक्सर पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की है, जिसके बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में भी एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान सुल्तानपुर आदमपुर स्थित मेडिकल स्टोर से नशे के कैप्सूल्स व टैबलेट सहित 71 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। जो है मॉर्निंग टू इवनिंग आप पूरा हम लोगों ने पुलिस के साथ एंटी नारकोटिक टीम और सीओ लक्सर जी के निर्देशन पे सारे पुलिस टीम मेरे साथ थी, तो कुछ लोगों की शिकायतें थी जो कि नारकोटिक दवाइयां भेज रहे हैं और कहीं कहीं कुछ स्पुरियस दवाइयों की भी शिकायतें हमारे पास थी। तो आज जो है पूरे दिन काम करने के बाद अभी हमें सफलता मिली है और एक कंप्लेन आई थी सलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो कि सुल्तानपुर पे नशे का कारोबार कर रहा था और वो अभी मेरे द्वारा जो है पुलिस टीम के साथ पकड़ लिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।